हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है SBG स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो में हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कराएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इवेल्यूएट डिटरमिनेंट ऑफ sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, -sin 60 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। तो आपको इसका एक्सपेंड करना है cos sin 30 cos 60 माइनस ऑफ -sin 60 cos 30। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 का फॉर्मूला होता है sin A+B, जो हो जाएगा 30 + 60 = sin 90, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1। उसके बाद आता है राइट दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है a - b, b - c, c - a, ये हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो हमें पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया, c को c1 + c2 + c3, c1 पे ऑपरेशन लगाया, तो a - b + b - c + c - a। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। और हमें पता है डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम ज़ीरो होता है तो उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमको ये दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ एक्स 4 2 and 2x = 0। तो हमको इसको सॉल्व करना है 2x into x 2x² - 8 = 0। तो 2x² = 8, x² = 4, क्योंकि डिवाइडेड बाई 8/2 = 4, एंड x = +-2, आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल। इन दोनों जो डिटर्मिनेंट के पेयर हमको दिए हुए हैं, क्या ऐसी पॉजिटिव वैल्यू होगी x की जो इन दोनों डिटर्मिनेंट को इक्वल करेगी। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया, इक्वल पुट किया और इनको सॉल्व किया। तो 2x² - 15 = 32 - 15। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x = +-4 आए। तो माइनस हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पूछी हुई है। तो पॉजिटिव वैल्यू पूछी होगी तो हम यहाँ पे x = +4 हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, क्या पूछ रहा है, इवेल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, sin 75 डिग्री एंड cos 75 डिग्री का डिटर्मिनेंट है। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करने है। सॉल्व करके जो इसका आंसर होगा वो आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके आपको हमको बताना है, और हम देखते हैं कि आप कितना इससे कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, राइट द वैल्यू ऑफ 2a, वेयर ए इक्वल्स टू क्या होगा 4। तो मॉड ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 दिया है इसने। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है और हम इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो गिवन ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड ए इक्वल्स टू क्या होगा 4, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। जब हम 2a का डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो जब 2 डिटर्मिनेंट से बाहर जाएगा तो हमें पता है 2 to the power n मीन्स जो ऑर्डर होता है वो आ जाएगा। तो 2 को हमने बाहर लिया तो 2 to the power कितना आया 3, क्योंकि 3 इसका ऑर्डर है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 2 to the power 3 कितना होगा 8 होगा, 8 into, और a का डिटर्मिनेंट क्या था 4, तो 8 into 4 = 32 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, मे बी आपको पूछा जा सके। तो इफ़ aij इज़ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट aij ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका aij कोफैक्टर है ऑफ द एलिमेंट ऑफ aij। aij क्या है, स्मॉल aij है उसका एलिमेंट और कैपिटल aij उसका कोफैक्टर है। तो देन राइट द वैल्यू ऑफ a32 to a32 and A32 मीन्स उसका एलिमेंट इंटू कोफैक्टर आपको करना है। तो a32 क्या होगा 5 हो जाएगा, ये 1 क्या है, a32 मीन्स थर्ड वाली रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा 5, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 5 आया। तो 5 इसका हमको डिटर वो निकालना है, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इस वाली लाइन को काट देंगे, इसको काट देंगे, तो क्या 3 into 2, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि 3 into 2 है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो 4
2, 4, 5, 6, 2, 6, 5, 4, 2, 6, 5, 4 आ जाएगा। तो 6, 4, 2, 8 माइनस 5, 6, 30, तो माइनस के और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 22 और इक्वल्स टू माइनस आ गया, तो 22 इसका आंसर आ जाएगा। एंड इंटू फिर हमें पूछा गया था a32 इंटू a32 मीन्स कोफैक्टर ऑफ एली कोफैक्टर एंड एलिमेंट्स का हमको मल्टीप्लाई पूछा था, तो 5 इंटू 22 हम कर देंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 110, तो 110 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स एंड मैट्रिक मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इज इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन राइट द वैल्यू ऑफ के। तो हमको यहाँ पे जो के की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 3A का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, जब हम 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 टू द पावर 3 मीन्स उसका ऑर्डर आ जाएगा उसके पावर में, इंटू या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो के क्या आएगा 3 टू द पावर 3, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 टू द पावर 3 और इक्वल्स टू 27 इसकी आ जाएगी, तो इसका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं डिटर्मिनेंट में, हर टाइप के क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे कराए, तो ये इसी तरीके आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।